बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज कुछ बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे, कुछ बिटकॉइन की डोमेन्स के वाले से बात करेंगे और कुछ आल्ट कॉइन के हवाले से बात करेंगे और थोड़ी सी मीम कॉइन के हवाले से बात करेंगे कि अब क्या उनकी जो प्राइस है आने वाले कुछ ही दिनों तक या कुछ ही मंथ तक इंक्रीज हो सकती है या मजीद डाउन में आ सकती है। तो वीडियो पे जाने से पहले डिस्क्लेमर, प्यारे भाइयों, अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाना है तो अपने ओन रिस्क पर लगाना है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। मजीद वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्यारे भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो बिल्कुल नए फ्रेश पीस हैं, बिल्कुल ताज़ा दम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक प्यारे भाइयों आप लर्निंग नहीं करोगे, मैं समझता हूँ कि आप मनी अपनी लूज 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 पे करते चले जाओगे। तो ये जो बेसिक क्रिप्टो कोर्स है प्यारे भाइयों, इनको आप वन बाई वन वॉच कर ले तो आपकी सेहत के लिए इंशाल्लाह ठीक रहेगा। इसमें सारी बेसिक चीजें, किस तरह विड्रावल, किस तरह डिपॉजिट, किस तरह आपने पैनकेक एक्सचेंज को यूज करना है, किस तरह आपने ट्रस्ट वैलेट को यूज करना है। काफी भाई डेली का कहते हैं कि यार शाह साहब आपकी वॉइस जो है ना वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्यारे भाइयों यकीन जानो मैं इतने माइक जो है वो चेंज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या वजह है, कुछ जो मेरा रूम है ना इसका साउंड भी होता है। अब देखिए ये सबसे अच्छा जो है ना बोयो का माइक सबसे अच्छा वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब लाया हूँ। अब हो सकता है वॉइस क्वालिटी ठीक हो या ना ठीक हो, बहरहाल फिर भी आप बर्दाश्त करें। तो अब देखें तो कल ही मैंने अपने ना टेलीग्राम पे ठीक है तस्वीर शेयर की थी, ये अपना सारा टीए करके। तो मैंने ये बोला था कि अब नेक्स्ट जो टारगेट है 4000 से लेकर प्यारे भाइयों 57-58000 आराम से आ सकता है। अब देखें यहाँ पे जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो है प्यारे भाइयों 51000 या 50000 के राउंड अबाउट। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है सपोर्ट लेवल को तो जो मेजर बनता है जिसको नहीं तोड़ना चाहिए वो है 48000 से अबव थोड़ा सा। अब जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा, जो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आराम से मार्केट जो है वो बुलिश है और 54000 से लेकर 58000 तक आराम से प्यारे भाइयों आ सकती है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए, मैं आपको मार्केट कैप पर ले जाता हूं। अब देखें बिटकॉइन का डोमिनेंस डे बाय डे जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डाउन की तरफ आ रहा है। ये एक निशानी होती है अल्ट में मिनी बुल रन, जो एक टिका के जिसको कहते हैं ना मिनी बुल रन और टिका के, वो आने वाला है। बल्कि कुछ कॉइन में आप देख भी रहे हैं, कल परसों ही मैंने सलोना की भी कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें एक बिग प्रॉफिट में हूं और मेरे मोस्टली जो फॉलोअर हैं वो भी एक बिग प्रॉफिट में हैं। और अभी जो डोजी कॉइन की कॉल है वो अभी पेंडिंग में है, वो अभी चल रही है। बीएनबी की जो कॉल है वो भी अभी चल रही है और भी काफी सारी कॉल्स है कि वो चल रही है। तो अगर आपको चाहिए हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है तो प्यारे भाइयों तुरंत उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग जो है वो पॉजिटिव हैं और डेली का एक बिग फ्यूचर से और स्पोर्ट ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप भी अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमारी टीम का हिस्सा बने। अगर मजीद आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो हमारा पेड ग्रुप है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं यार मैं खुद इन फ्यूचर सब कुछ सीख के तो ट्रेड लगाऊं, खुद टीए करूं, खुद जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इस मार्केट का ट्रेंड पहचानूं, तो प्यारे भाइयों आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं। अब देखें डिक्रीज जो है वो डे बाय डे बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे जैसे डिक्रीज होगी अल्ट कॉइन में एक अच्छा बूम आपको दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो 2.3 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है। अब मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो जब मैंने इसमें एंट्री ली थी तो उस टाइम मार्केट तकरीबन 600 या 700 बिलियन थी। कितनी बिलियन थी? ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बनी थी। इसके बाद मार्केट ने डाउन आना था, यानी 2018 के पहले दूसरे महीने में जनवरी फरवरी में हमने इसमें रियल इसमें पंगा डाला था
उसके बाद इसका ग्राफ नीचे नीचे इवन के प्यारे भाइयों ये आ गया था 200 बिलियन, कितना 200 बिलियन अरब डॉलर की मार्केट हो चुकी है। ऐसे समय के 2020 के मई में ये मार्केट कैप जो है वो फिर से दोबारा बूम पकड़ने लगी और आपके सामने है कि ये बिलियन से क्रॉस करके ट्रिलियन, अब 2.25 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है। अब एक बात ये भी याद रखें कि जैसे ही मार्केट 2 ट्रिलियन से, फिर मैं बोल रहा हूं कि 2 ट्रिलियन से कम होती है तो आपने अपने जेब में रख लेना है कि अब हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर मार्केट 44,000 यानी 44,000 या 46,000 के राउंड अबाउट आ सकती है। लेकिन अभी के लिए सेफ एंड साउंड साइड पे हैं, डोंट वरी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से ट्रेड करें। अगर आपका कोई भी कॉइन लॉस में है तो उसको प्यारे भाइयों होल्ड इज गोल्ड, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि इन दिनों के अंदर अंदर छोटा आपने लॉस लेना है और प्रॉफिट जब लेना है तो प्यारे भाइयों आपने अच्छा प्रॉफिट लेना है। अब बात स्टार्ट करते हैं मीम कॉइन, मीम कॉइन फॉर एग्जांपल डोजी कॉइन, ये भी एक जब आया था इस मर्ज वजूद में इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो ये भी एक मीम कॉइन था, इसका कोई इतना खास मकसद नहीं था। इसके बाद काफी सारे, अभी तो ये 2021 में तो ऐसे जो है पूरी पंड आ गई इस मार्केट में। अब फॉर एग्जाम्पल शिबा इनू हो गया, सेव मून हो गया, सेव गार्ड हो गया, ठीक है, एलन गेट हो गया, इतने हैं कि मैंने खुद भी ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह यानी 10-10, 20-20 डॉलर लगाकर हमने उससे 1-1, 2-2 हजार डॉलर मेरी टीम ने निकाला है। अब कई भाई पीक पर उसमें एंट्री उन्होंने ली तो अभी तक वो स्टक है, प्यारे भाइयों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चंद दिनों के अंदर अंदर मैं समझता हूं कि जो मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं मीम कॉइन में एक बिग बिग आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इंशाल्लाह, मेरा एक जाती ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल शिबा इनू जिनके पास है, डोजी जिनके पास है, अब कल से परसों से 2 दिन पहले जैसे डोजी ने थोड़ा सा डोजी में वॉल्यूम आया तो मैंने उस टाइम बोला था कि बिटकॉइन की अब खैर नहीं है, बिटकॉइन जो है वो भूम पकड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही डोजी या लाइट कॉइन, ये दोनों की खासियत है कि जैसे इनमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम आए तो समझो बिटकॉइन की खैर नहीं, बिटकॉइन पटाखा छोड़ने वाला है। तो सेम लाइक उस टाइम मार्केट तकरीबन 50,000 के अराउंड अबाउट थी तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा बूम दिखाया। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल जितने भी मीम कॉइन पड़े हैं डोंट वरी, बिल्कुल लास्ट में कोई चीज भी सेल ना किया करें। एंड पर मैं आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने यहां से एक अच्छा पैसा बनाना है तो प्यारे भाइयों इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए यकीन जान लो जितना भी अच्छा ट्रेडर हो वो मिलियनपति या बिलियनपति यहां से नहीं बन सकता, वो 1 करोड़पति नहीं बनेगा, वो रोडपति बन सकता है, दूधपति बन सकता है, पानीपति बन सकता है, यहां से वो करोड़पति नहीं बन सकता। जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने रखता हूं उसको आप फॉलो करोगे एक वक्त आएगा और बिल्कुल करीब आएगा, इतना ये भी नहीं को आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा, 30 साल वेट करने पड़ेगा। अब हर बंदा आता है ना इसमें उसका दिल यही होता है कि अभी मैंने अकाउंट बनाया तो डॉलरों की जनाब गड़ी हमारे ना अकाउंटों में आ जाए, यकीन जान लो मेरे पास 99.9 बंदे आते हैं कहते हैं मैंने 10,000 डॉलर का लॉस कर लिया, मैंने फलां पे कॉल के एवी ट्रपेलू सी थी लॉस किया, मैंने 4,000 डॉलर का लॉस किया। मेरे पास जितने भी फॉलोवर आते हैं वो कहते हैं मैंने, हर बंदा लॉस में आता है, वो क्यों लॉस में आता है भाइयों, खुदारा इसमें कुछ ना कुछ सीख लो। जब तक आप सीखोगे नहीं, कम से कम डीपली चीजों को आप जब तक सीखो नहीं, बेसिक चीजों को आप सीखोगे नहीं उस वक्त तक यहां से आप खास तौर पर डेली ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं बना सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेटजी यही बनाता हूं कि जिस भाई के पास 1,000 डॉलर है 300 डॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ दे, वो भी जो आपने 300 डॉलर के कॉइन बाय करने फोर पीक पर ना बाय करे, महीना 2 महीने अच्छा मार्केट का डिप में आने का वेट करें। ये कौन एक मार्केट है तो तुम दो बस ठीक है, उसके बाद आप 3-4 साल के लिए स्टॉक हो दो, नहीं वो जो 300 डॉलर है उसको डिवाइड करो 2-3 साल पाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर महीने में, हर 2 महीने में जैसे मार्केट अच्छा डिप ले, मार्केट से मुराद है जैसे बिटकॉइन 5-10-15% गिरे उस टाइम कोई भी अच्छे जो आपको अल्टकॉइन लगते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो में बताए हैं उनको आप बाय करके मुर्गा जो है वो अंडों पर बिठा कर रख दो। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है 300 डॉलर का वो प्यारे भाइयों आपने मिड टर्म के लिए, मिड टर्म से मुराद है कि जो फियर एंड ग्रीड वाली सुई मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो
वीडियो में, ठीक है, फियर एंड ग्रीड वाली, कि जैसे 5-10 पर है उसको आपने बाय करना है और आपने 1-2 महीने वेट करना है, आपकी पेमेंट इंशाल्लाह 2 गुना 3 गुना आराम से हो जाएगी। और जो तीसरा हिस्सा है, ठीक है, उसको आप प्यारे भाइयों स्पोर्ट ट्रेडिंग में लाएं। जो तीसरा हिस्सा है यानी 300 या 400 जो आपने स्पोर्ट में लेना है, उसका आगे प्यारे भाइयों 20% या 10% आपने फ्यूचर में लगाना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास $1000 होता है, पता नहीं हमने किसी से चोरी लिया होता है, किसी से ठग कर लिया होता है, हम सारा का सारा जनाब इसमें फ्यूचर में तुल देते हैं। पता तब चलता है कि भाई साहब लिक्विडेट होकर पल्ला झाड़ के जनाब मोटो पर रखते हैं, एक साइड पर हो जाता है। नहीं प्यारे भाइयों, खुदा रहा, अगर आपने यहां से पैसा बनाना है तो मेहरबानी करके पहली बात तो है बेसिक चीजें सीखे, इसके बाद टेक्निकल चीजें सीखे, इसके बाद एंट्री लोगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। क्या आप लॉन्ग टर्म वाले होल्डर हैं, शॉर्ट टर्म वाले होल्डर हैं या मिड टर्म वाले होल्डर हैं? और इनमें सब में मैं बेस्ट उस बंदे को समझता हूं जो लॉन्ग टर्म वाला होल्डर है। लॉन्ग टर्म से भी मुराद ये नहीं कि जैसे मार्केट पीक पर हो तो आप उसमें रख दो तो 2-3 साल के लिए स्टॉक हो जाओ, या मार्केट फुल बॉटम में हो उस वक्त आपके पास पैसा ना हो। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, सबका धन्यवाद।